भाग्यवान सुनो तो जरा जल्दी आओ यहाँ पर। भाग्यवान हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ भाग्यवान? भाग्यवान कटक से जानकी जी ने चिट्ठी भेजी है, कह रहे शादी को टालना होगा। क्या आश्चर्य की बात है, इस सब का क्या मतलब है? नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी होने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फिर हम उनकी बात क्यों मानेंगे भला? नहीं भाग्यवान, देखो एक बात समझने की कोशिश करो, ये तो अपने अपने आस्था की बात है ना? उनके लिए अच्छा है तो हमारी बेटी के लिए भी अच्छा है। ठीक है, आप अपने विश्वास के बारे में सोचिए, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी को इस तरह बच्चों का खेल नहीं बनने दूंगी। मैं अब इंतजार नहीं कर पा रही हूँ और अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने तय कर लिया है कि मैं मनमत के साथ विभा की शादी करवाऊंगी। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो सुबाला? मैं उसकी माँ के साथ बात करती हूँ। भगवान सुनो जरा। माँ तुम इस विषय को लेकर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अजीत, इस विषय में मैं तुमसे किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर हम क्या करने आए हैं रोनिल? पता नहीं, सुबी ने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? आज हम सब खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। खुदीराम बोस, ये कौन है? कोई नहीं कोई नहीं। सुबी, ये तू क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर में सबने कहा है ना इन सब बातों से दूर रहना है। तू ये तस्वीर स्कूल भी लेकर आ गया? क्यों ना लाऊं छोटा मामा? खुदीराम बोस ने देश के लिए अपनी जान दी है, उन्हें श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है। खुदीराम बोस ने देश के लिए जान दी है मतलब? ये देश हमारी माँ है और हम सब इनकी संतान हैं। जो लोग बाहर से आकर हमारे देश में हम सब पर अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, खुदीराम बोस उन्हें सजा देना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। कितनी तकलीफ हुई होगी ना उन्हें। सुभाष, What are you doing here? ये सब यहाँ हो क्या रहा है? Why are you all here? मैंने ही इन सबको यहाँ बुलाया सर, खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए। सुभाष, तुम निकल जाओ इस स्कूल से, राइट नाउ। ऑल ऑफ यू गो बैक टू योर क्लास। मैं तुम्हारे फादर के साथ बात करता हूँ। नाउ मूव ऑन, आई से। मिस्टर यंग, डोंट डू दैट। कॉल हिम टू द ऑफिस एंड गिव हिम सम अदर पनिशमेंट। सुभाष, डू यू हियर मी? जस्ट गेट आउट। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर यंग? खुदीराम बोस की तस्वीर सुभाष स्कूल में लेकर आया था। मिस्टर बोस, मैटर इज वेरी सीरियस, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। यू सी, खुदीराम बोस फांसी के लायक एक मुजरम था, एन एंटी गवर्नमेंट क्रिमिनल, एक खूनी था। सुभाष उसकी तस्वीर लाकर स्कूल में सबको उसकी कहानी सुना रहा था, एक मुजरिम को हीरो बता रहा था। इतना सब कुछ उसे कैसे पता चला? आपके घर में क्या ये सारी बातें होती है? Absolutely not, Mr. Young. Then, एक स्वदेशी की तरह काम उसने कैसे किया? आपको पता है इसके लिए क्या होता? मुझे पुलिस को खबर देना चाहिए था, but I didn't do that because he is good in studies. Mr. Bose, it's a punishable offense. मैं सुभाष को माफ नहीं कर सकता। I have to take a step.
सुभाष अभी कहाँ है? तुम खुदीराम बोस को पहचानते हो? उसके बारे में सुना है? जी सुना है, साहसी वीर। स्कूल के छात्रों को लेकर मैंने उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाही, लेकिन नहीं दे पाया। सबने मुझे रोक दिया। वो तो बिल्कुल रोकेंगे। देखकर लगता है पीई स्कूल में पढ़ते हो। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? जब मैं खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दे रहा था, तब मैंने अपने जूते खोले थे, पहनना ही भूल गया। लेकिन ये तो पीई स्कूल के छात्र के जैसा काम नहीं लगता। मुझे पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन इतना तो कह सकता हूं, एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, बहुत बड़े। अपने आंसू पोंछो। घर जाओ, फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी, ठीक है? लेकिन कैसे होगी? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं यहाँ कटक में ही रहता हूँ, तुम्हारी तरह छोटे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाता हूँ। और अकेले अकेले यहाँ ऐसे मत घुमा करो, घर में सभी तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे ना। जाओ। बारे में कुछ कहना चाहते हो सुभाष? मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद तुम क्या करोगे? अब पूरी जिंदगी के लिए पढ़ाई यही रुक जाएगी, तुम यही चाहते हो ना? तुमने क्या किया, क्यों किया, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मूर्ख बनकर तुम पूरी जिंदगी क्या करोगे। बाकी बच्चों की तरह तुम होते तो मैं ये सवाल तुमसे कभी नहीं करता, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हो आजकल। तुम्हें आज इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। बिल्कुल मत रोना, रोना मत सुभाष, बिल्कुल मत रोना। तुमने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। स्वीकार करो कि ऐसी बदतमीजी तुम फिर कभी नहीं करोगे। तुम्हें इसी वक्त पी स्कूल में जाकर अपनी टीचर से माफी मांगनी होगी। अगर वो लोग तुम्हें माफ कर देते हैं तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने कोई अन्याय नहीं किया बाबा। राम बोस ने देश के लिए अपनी जान दे दी बाबा। मैं तो बस उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। देश तो हम सबकी माँ है ना। माँ के लिए जो अपनी जान दे दे, उन्हें तो प्रणाम करना ही चाहिए। मैंने क्या गलत किया है बाबा? सुभाष, शुभी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?
शुभी, शुभी तुम्हारी माँ तो मैं हूँ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, करते हो ना, तो मुझसे आज एक वादा करो कि तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा शुभी कहीं खो जाए। क्या तुम देख नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो कि चारों ओर क्या हो रहा है, कितनी माओं की गोद सूनी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि दोबारा तुम ऐसी बातें करो। ये सब सोच विचार अपने दिमाग से हटा दो शुभी। माँ, आप यहाँ पर हैं? मुझे लगा आप तो कोर्ट के लिए निकल गए होंगे। अभी तक आपके कमरे का दरवाजा बंद पड़ा है, आज आप नहीं जाओगे? नहीं प्रभा, आज मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। मैंने ही अब्दुल को कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए कहा था। किसी के साथ भी बात करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आप शुभी के कारण चिंतित हो, सही कहा ना? अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। काफी दिनों से देख रही हूं कि शुभी इस अंग्रेजी स्कूल में जाना नहीं चाह रहा है। उसे जरूर वहां कोई दिक्कत होती होगी। ऊपर से इतनी बड़ी गलती भी तो कर बैठा है। अगर आप भैया से बात करके उनकी जान पहचान से सहायता लेकर शुभी की सजा माफ करवाकर उसे स्कूल भेज दे तो सही होगा। आपको क्या लगता है? इस लड़के की पढ़ाई लिखाई अब यहीं समाप्त हो जाएगी प्रभा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसे बेनी माधव जी के स्कूल भेज दीजिए। बात कीजिए ना उनसे। रेवनशॉ में क्या हम साल के बीच में उसका स्कूल बदल देंगे? और रेवनशॉ स्कूल के हेडमास्टर बेनी माधव जी राजी क्यों होंगे प्रभा? और अगर हम यही करते हैं तो प्रभा, फिर हम सुभाष को सही शिक्षा दे पाएंगे? उसे ऐसा लग सकता है कि वो मन मर्जी के हिसाब से काम करके बच जाएगा। ऐसा होता तो मैं कभी नहीं कहती। मैंने शुभी के सामने ये बातें नहीं कही। ऐसा करने से आपका और भैया का अपमान हो सकता था, जो मैं नहीं चाहती थी। मैं ये नहीं सह सकती। आप मुझे एक बात सच सच बताओगे? बताइए, उसने जो किया वो गलत है? खुदीराम ने देश के लिए अपनी जान दी है। अंग्रेज उसे कोई और सजा भी तो दे सकते थे। उसकी माँ की गोद सूनी तो नहीं होती। चलो फिर ठीक है, जाकर सुभाष से कहो कि ये पूरा घर स्वदेशियों की तस्वीरों से भर दे। जो बातें पहले शरद कहता था, आजकल तुम भी वही कह रही हो। ये तो आपका गुस्सा कह रहा है। इस गुस्से के सामने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचोगे? तुम्हें भी सिर्फ गुस्सा ही नजर आया प्रभा। ये सब काम करने से सुभाष के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा सोचा है तुमने? सिर्फ और सिर्फ खुदीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने उसे नहीं डांटा। रेवनशॉ में जाने के बाद भी अगर उसके अंदर यही सोच रही तो उसके अंदर सरकार के खिलाफ एक विचार बन जाएगा। आज स्कूल, कल कॉलेज, कल कोर्ट कचहरी, हर जगह अगर एक ही तरह की सोच रहेगी तो
मुझे उसे लेकर बहुत चिंता हो रही है प्रभा। वैसे आजकल समय भी ठीक नहीं है। हाँ आइए आइए। क्या हुआ शरद बाबू? सतीश बाबू चलिए आइए आइए। चलो आइए। ताऊ जी थोड़ी देर हो गई आने में। ताऊ जी, ताई जी, इनसे मिलिए। ये हैं शरद चंद्र बोस। और ये हैं शरद बाबू के भैया सतीश बाबू। अरे देख क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? अजय अजीत, किसी को इस तरीके से कोई लाता है क्या? अरे ठीक है ठीक है, क्या कर रहे हो? अरे भगवान, बहू। अरे ठीक है ठीक है। सतीश बाबू हम लोग उस तरफ बैठ जाते हैं। आओ आओ आओ। छोटी चल, सारा इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा अजित ऐसा क्यों है बता तो, एक बार बोलकर तो आना चाहिए था ना, और तूने भी मुझे बताया नहीं। पता होता तो बताती ना दीदी। चलिए तो मनमत, कैसा लग रहा है हमारे संगीत का जलसा? ओह, उससे पहले मनमत से सबका परिचय करवा देता हूँ। शरद बाबू, सतीश बाबू, ये है मनमत, मेरे बचपन का दोस्त। मनमत बहुत दिनों तक विदेश में रहने के बाद हाल ही में बैरिस्टर बनकर कोलकाता लौटे हैं। जी को पता लगा तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हटो ये सब। सुबी, खाने के लिए चल। ये सब क्या है सुबी? दिखा। ये सब क्या है सुबी? हाँ? ये सब क्या सिखा रहे हैं आप मेरे भाई को अनु मौसी? रमी, भगवान के लिए धीरे बोलो, मैं अभी हटा देती हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं हटाने की। आपको याद नहीं है कल सुबह को कितनी डांट सुननी पड़ी थी माँ बाबा से? उसके बाद आज आपने फिर से शुरू कर दिया। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा ना? रुक जाओ, मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। माँ खुद ही आकर देख लेंगी आपके कारनामे। माँ, ओ माँ। अनुमो से क्यों सिखाएंगी बड़ी दीदी? मैंने खुदीराम बोस की तस्वीर अपने पढ़ने के टेबल पर रखी, मैं खुद ही भूल लेकर आया था। अब कौन सा पहाड़ टूट गया? देख लो, आप अपनी आंखों से देख लो आपके लड़के ने क्या किया है। कल बाबा से इतनी डांट सुनने के बाद भी इसे कोई अकल नहीं आई, फिर से खुदीराम बोस की तस्वीर लाकर उस पे फूल चढ़ाकर पूजा कर रहा है। कुछ समझ रही हो? बाबा को भनक लगी तो वो क्या करेंगे? और अनु मौसी इसे सब सिखा रही है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। तुम जरा चुप रहोगी? आ,
खुदीराम बोस की तस्वीर लाकर मैंने ही टेबल पर रखी है बाबा, और मैंने ही फूल चढ़ाए हैं। क्यों? तुम दोबारा ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, माँ के लिए जान दी है उन्होंने। देश तो हमारी माँ है ना। माँ के लिए जो अपनी जान दे देता है उन्हें तो प्रणाम करना ही चाहिए। सही कहा ना बाबा? ये देश हमारी माँ है, ये बात तुम्हें किसने सिखाई सुभाष? तुम्हारे मजले भैया ने?